हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोपी तिवारी। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हम लोग जो है जाने वाले हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी तो हम लोग जो है जा रहे हैं कैची धाम और नैनीताल। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोग जो है अपने घर से निकले हुए हैं और बेटी भी आने वाली थी, तो मैंने उसको स्टेशन से ले लिया था क्योंकि मैं इस बार गई थी अपनी गाड़ी से। और वैसे तो मैं अभी दो बार जो मेरा ब्लॉग जा चुका है नैनीताल और कैची धाम का, तो उसमें क्या है, उसमें मैं ट्रेन से बाय ट्रेन गई हुई थी, लेकिन इस बार मैं तो उसमें क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। तो यहाँ पर क्या है, बेटी आ गई है, मैं उसको ढेर सारा प्यार कर रही हूँ और बस गाड़ी में बैठ गए हैं हम सभी। तो इस बार जो है विद फैमिली जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली हस्बैंड ने कहा कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं। तो क्या था, हम सभी जा रहे थे तो हस्बैंड ने बोला चलो गाड़ी ले चलते हैं, तो बस हम लोग जो है निकल दिए थे। तो उसके बाद जो है रास्ते में हम लोगों ने आ गया था सैफई क्लब, तो हम लोगों ने बच्चों का मन था तो उसमें हम लोग गए और उसमें हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पहली बार मैंने देखा है। बच्चा तो मेरा काफ़ी बार आ चुका है क्योंकि वो कॉलेज आता है, तो बोला मम्मी इसमें चलो चलते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि कुछ दूरी मतलब इसके बाद जो है कोई ढाबा वगैरह नहीं था, तो बच्चों ने कहा चलो यहीं खाते हैं। तो हमने कहा चलो, बच्चों का मन है तो बस हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पर बस बच्चे अपनी बातों में लगे हैं। तो पानी आ गया है और थोड़ी देर में बच्चों ने जो कुछ उनको खाना था तो वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। और बस देखिए बच्चे क्या है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो कहते देंगे इस तरीके से वो करने लगते हैं। तो बस खाना आ गया है, बस हम लोग जो है खाना खा के जस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है रात में ही चल दिए थे नैनीताल के लिए और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे काठगोदाम 4 बजे, 3 बजे काठगोदाम पहुँच गए थे और 1 घंटा ऊपर जाने में लगा था, तो 4 बजे हम लोग नैनीताल पहुँच गए थे। आप देख सकते हैं रास्ते का व्यू, काफ़ी अंधेरा है और बस ड्राइविंग जो है हस्बैंड और बेटे दोनों ने की थी। मेरा बेटा भी चला लेता है, बेटी भी चला लेती है, लेकिन अभी वो ज़्यादा चला नहीं पाती है, कोचिंग कर रही है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है चलाने का। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम 2:14 सुबह के हो रहे हैं। तो हम लोग क्या है, एक जगह गाड़ी रोकी और वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी क्योंकि आलस आ रहा था। और आप देख सकते हैं बारिश रास्ते में कितनी हो रही थी और बस हम लोग आ गए हैं, नैनीताल पहुँच गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने रूम ले लिया था, तो रूम हम लोगों ने लिया था झील के जस्ट सामने ही हम लोगों ने रूम लिया था। एक्चुअली क्या है, झील के सामने ही सारे रूम हैं, अगर आप लोग गए हों तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रही हूँ, झील के सामने ही सारे रूम हैं। तो बच्चों का मन था कि झील के सामने ही होटल लिया जाए, तो हमने वो ले लिया है। और उसके बाद ये नज़ारा आप देख ही सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे भी बड़े खुश थे। तो यहाँ पर क्या है, सुबह हो गई थी तो बच्चे सो रहे थे, मैं जो है बालकनी में आकर के थोड़ी देर बैठी, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। आपने देखा जैसा कि मैं हुडी डाले हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा व्यू है। और देखो सब हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे जो है चाय पीने का मन हुआ तो रूम में जो है इडली वगैरह थी, तो वहाँ पर सैसे वगैरह रखा था दूध का, चाय का और चीनी का, और केटली भी थी, हॉट केटली थी। तो मैंने बस इसको जो है चालू किया और उसके बाद जो है चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद मैं पी रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी और बच्चे हस्बैंड सो रहे थे, तो बस मैंने जो है चाय बनाई है, रूम में केटली अवेलेबल थी, तो मैंने पहले उसको जो है थोड़ा सा उसमें पानी डाला, और पानी डालने के बाद उसको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज़्यादा सा उसको कर लिया है गर्म। और उसके बाद जो है
पैकेट वगैरह रखे हुए थे, कॉफ़ी का भी था, लेकिन मेरा चाय पीने का मन था। सुबह सुबह मेरा कॉफ़ी का मन नहीं होता है, तो बस मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और पानी जो है उबल गया है, पहले जो है क्या था वो स्विच ही नहीं मिल रहा था, थोड़ी देर बाद मुझे स्विच मिल गया है। समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ पर लगाऊँ, उसका वायर ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर मैंने पाउच डाल ली है, टी वाली पाउच डाल ली है मैंने, और चीनी और दूध वो सारा कुछ पैकेट वाला है, पाउच वाला है, तो उसी को हम बना करके चाय बनाएंगे। तो यहाँ पर पानी उबल गया है, तो बस अब हम इसको कर लेंगे कप में। ये देखिए चलने लगी है केतली, चालू हो गया है। अब इसका पानी हो जाएगा गर्म, तो अब हम इसका पानी, ये देखिए उबलने लगा ना अच्छे से। अब इसको हम मग में कर लेंगे, और इसमें मैंने दूध वगैरह सारा कुछ डाल लिया है, क्योंकि मैं एक हाथ में जो है मोबाइल पकड़े हूँ तो इस वजह से। और बस, और हमारी चाय रेडी टू ड्रिंक के लिए हो गई है। अब हम लेंगे चल के बाहर बालकनी में, चाय का एंजॉय करेंगे। देखिए आया ना कलर अच्छा मस्त सा। और अब हम आ गए हैं बालकनी में, और सर्दी बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, अगर आप फ़िलहाल जाएँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है नैनीताल में, और ओले भी पड़ रहे हैं। मैंने अभी इसमें दिखाया भी है, आप आगे वीडियो जो है वीडियो में बने रहें, आगे जो है इसमें ओले भी, मैं थी ना वहाँ पर तो दो दिन में थी, तो दोनों दिन ओले पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ पर बालकनी में मैं चाय का एंजॉय ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। उसके बाद जो है आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और अब पता नहीं मैं, हाँ चाय ही पी रही हूँ मैं। और उसके बाद झील के सामने ही, ये देखिए बड़ा अच्छा व्यू है। बस चाय लगभग मेरी ख़त्म ही होने जा रही है। और उसके बाद क्या था, बच्चे भी सो के उठ गए थे, तो बस हम लोगों ने मंगा लिया था ब्रेकफास्ट। ये देखिए भैया मेरे बैठे हैं बालकनी में, एंजॉय कर रहे हैं व्यू का। और बच्चों के मन से ही मैंने ये होटल लिया हुआ है, क्योंकि बच्चों का मन था और बच्चों को ही हम घुमाने गए थे, तो एक्चुअली होना तो बच्चों के हिसाब से ही सब कुछ चाहिए, तो बस बच्चों के हिसाब से ही सारा कुछ हुआ है। और नैनीताल का व्यू तो वैसे भी आप लोग जानते हैं अच्छा था। और बस यहाँ पर हस्बैंड जो है कर रहे हैं, सुबह हम लोगों ने चाय पराठा मंगाया था, क्योंकि वो भी बच्चों के हिसाब से, बच्चों को चाय पराठा ही खाना था, तो बस चाय पराठा आ गया है। और बस ये देखिए मैंने भी ले लिया है, मैंने बस एक ही पीस लिया है, क्योंकि सुबह से मेरा ज़्यादा मन नहीं होता है खाने का, तो बस सब ने ले लिया है। सब नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो है रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर सब अभी नाश्ता का एंजॉय कर रहे हैं। और बस क्या होता है ना, जब आप अकेले जाते हो हस्बैंड वाइफ, तब इतना एंजॉय नहीं होता है, और जब आप बच्चों को लेके जाते हो तब बहुत ही अच्छा भी लगता है। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में, इतना मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की भी मतलब लगा रहता है कि बच्चे, काश बच्चे भी यहाँ होते। तो देखिए बारिश होने लगी है, और उसके बाद मैंने वहाँ पर एक वीडियो भी शूट की थी, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दी है, आप लोग चेकआउट कर लेना। दो मास्क मैं ले गई थी, सीट मास्क मेरे पास पड़े हुए थे पहले के, तो एक बेटी ने लगा लिया है और फिर उसके बाद मैंने भी लगाया है, तो बस वही लगाए है और झील का आनंद ले रही है। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अभी नहा रहा है बेटा, तो उसके बाद ये देखिए मैंने और बेटी ने नहा लिया है, उसके बाद हस्बैंड बैठे हुए हैं और बेटा नहा रहा है, उसके बाद नहाएंगे हस्बैंड भी। बेटे को जो है मैंने कहा पहले तुम नहा लो। यहाँ पर बेटी जो है सीट मास्क मेरे लगा रही है, और सीट मास्क वैसे तो मैं लगा लेती हूँ जब सेल्फ वीडियो अपनी खुद बनाती हूँ, लेकिन वो थी तो मैंने कहा तुम ही लगा दो, और उसने नेल पेंट भी लगा रखी है हाथों में, लेकिन कोई नहीं फिर भी वो लगा रही है। और बस सीट मास्क मेरा लग गया है, तो ये मेरी वीडियो जो है चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद क्या था, ये देखिए और 20-30 मिनट बाद हम इसको रिमूव भी कर देंगे, तो बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है। ये देखिए मैंने मेकअप किया है, और यहाँ देखिए ओले पड़ने लगे, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगे, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको,
और मैंने झट से मैं बाहर आकर के मैंने वीडियो बनाई है, अभी आपको देखेंगे। ये देखो वहाँ पर ओले पड़ रहे थे, अभी कुछ नहीं है, अभी देखना धीरे से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, महीन 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 महीन। ये देखिए और फिर वो बढ़ते चले गए, काफ़ी देर तक ये ओले पड़े। तो क्या था, हम लोग तैयार हो गए थे लेकिन जो है फिर ओले पड़ने लगे, बारिश और ओले दोनों। क्योंकि जब मैं वहाँ पर थी ना तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन इस टाइम होती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश भी थी और ओले भी थे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी जो है ओले हैं। तो हम लोग जो है रेडी होके कम से कम एक घंटे तक हम लोग बैठे रहे, और आप देख सकते हैं झील में भी कोहरा सा हो गया है। और बच्चों को करनी थी बोटिंग, तो बोटिंग जो है ऐसे हो नहीं सकती थी, बार बार बारिश आई जा रही थी। तो हम लोग जो है रेडी हो करके बस बैठे रहे। उसके बाद थोड़ी देर बारिश बंद हुई तो हम लोग नीचे गए, तो नीचे जाने के बाद फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो फिर हम लोग बस मार्केट में इधर उधर घूमे, फिर सोचा क्या किया जाए, अभी झील तो चालू है नहीं क्योंकि वो बोट बंद कर देते हैं जब पानी बरसता है। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, फिर बच्चे भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर मुझे कैंची धाम भी जाना था। तो मैंने बोला बच्चों चलो अभी रूम पर ही चलते हैं, तो मैं वापस से आ गई थी। और ये देखिए हम लोग रेडी हो गए थे, तो शीट मास्क से आप ग्लो देख सकते हैं चेहरे पर, काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो बस यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो एक आध फोटो ही क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस फैमिली के साथ मैं कर रही हूँ फ़ोटो क्लिक। उसके बाद क्या हुआ, बारिश बंद हो गई थी तो मैंने बच्चों को बोटिंग करने का था जल्दी, तो मैंने कहा चलो बेटा बारिश बंद हो गई है तो बोट चलेगी तो हम आपको बोटिंग करा देंगे। लेकिन क्या था कि बोट मैं नीचे गई, ये देखिए रूम जो है लॉक कर रहे हैं हस्बैंड, उसके बाद हम लोग नीचे गए, लेकिन बारिश जो है फिर से शुरू हो गई। और ये था मेरा रूम का व्यू था, ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर था, ये देखिए कितनी सीढ़ियां हैं, आप खुद देख लीजिए, मैं बहुत ही थक गई थी फ्रेंड्स, सॉरी। तो यहाँ पर क्या था, फिर हम लोग आ गए थे रूम पर, उसके बाद मैं फिर शाम को गई थी वापस, बारिश हो रही थी तो मैं वापस रूम पे आ गई थी बच्चों को लेकर। तो शाम को मैं गई थी तो नैनीताल में वहाँ पर माल रोड पर ये चाय सुट्टा करके है कैफ़े, तो यहाँ पर कॉफ़ी चाय दोनों बड़ा ही अच्छा। तो मैंने सोचा चलो तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैंने फिर बच्चों को मार्केट में घुमाया, तो वहाँ भी। और यहाँ पर देखिए जो बोलते हैं लंगूर, हम तो लंगूर ही बोलते हैं, तो यहाँ पर कैसे भी कहीं से आ गए हैं। तो ये देखिए कुत्ते जो है उनको भगा रहे हैं, और इन्होंने इतना भूसा कुत्तों ने कि उनको भगा दिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए हम लोग जो है चाय का एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चाय, हाँ ये कॉफ़ी है, बच्चों ने कॉफ़ी ली थी और हम लोगों ने चाय ली थी, क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी सूट भी नहीं करती है और चाय मुझे ज़्यादा सूट करती है, कॉफ़ी मुझे सूट नहीं करती है और अच्छी भी कम लगती है। तो यहाँ पर सब जो है चाय कॉफ़ी का ले रहे हैं एंजॉय। यहाँ पर गला मेरा ख़राब हुआ पड़ा है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने एक जो है क्लिक भी करवाई है चेयर्स करते हुए, और ये देखो लिखा है चाय सुट्टा बार। हाँ तो यहीं पर मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या था, जो नैनीताल के पॉइंट हैं वो हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे, क्योंकि एक दिन तो मेरा वेस्ट हो गया था, एक दिन वेस्ट ही मानो, उस दिन जो कुछ नहीं हो पाया फिर, क्योंकि बारिश ही इतनी होती रही कि कुछ नहीं हो पाया बच्चों का। अब बच्चों का मुंह जो है बहुत ही उदास था कि मैं जो है झील में नहीं बोट में नहीं बैठ पाया। और दोनों बच्चे जो है बड़ा ही मन था उनका, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दूसरे दिन सबसे पहले प्लान बनाया बोटिंग का। तो सबसे पहले हमने बच्चों को जो है बोटिंग कराई है,
तो यहाँ पर एक बोट में हम और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और आप पीछे जो जस्ट हमारे पीछे देख रहे होंगे एक बोट, तो उसमें जो है बच्चे थे। अभी पास में आएंगे तो शायद आप देख पाएंगे, तो इसी वजह से। तो ये देखो जस्ट हमारे पीछे जो एक बोट है, तो उसमें जो है बच्चे हैं। तो बस सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को बोटिंग कराई, उसके बाद क्या था, मैं निकल गई थी नैनीताल जो पॉइंट होते हैं, तो ये था हिमालय पॉइंट। तो यह बहुत ही ऊंचाई पर था फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कोहरा सा इतना है और हवा तो बहुत ज़ोरदार चल रही थी यहाँ पर। तो बस बच्चे क्लिक कर रहे हैं फ़ोटो, और यहाँ पर ये इन्होंने बना रखा था हार्ड टाइप का, और इस पर जो है आई लव हिमालय लिखा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, और उसके बाद बेटी जो है सर्दी लग रही थी उसको, वो अपनी जैकेट नहीं लेकर आई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने मैगी और चाय का एंजॉय किया, तो भाई ने उसको अपनी जैकेट दे दी है। और एक्चुअली कल बारिश होती रही तो उसकी जो होती थी, गाइस मुझे ठंड लग रही थी, मेरे भाई ने मुझे जैकेट दे दी। भैया मैं मैगी खाने जा रहा हूँ, चाय मिलेगा अदरक वाला। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी वाले ने दूसरा पॉइंट घुमाया है, तो ये भी कोई पॉइंट है, क्या बोलते हैं, लवर्स पॉइंट भी घुमाया था उन्होंने, शायद ये वही है। और एक उन्होंने, हाँ ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से ऊंचाई से लेक दिखती है, मतलब और लेक के किनारे जो बिल्डिंग है तो वो दिखती हैं। इसमें मैं आप ऐड कर दूंगी यहाँ पर, आप ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे वो लेक दिख रही है, लेक जो है ऊंचाई से दिख रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चे भी अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। ये देखिए एक ये यहाँ पर पेड़ है अजीब सा, झूले टाइप का। तो यहाँ पर सभी जो है कपल्स बच्चे सारे जो हैं यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं, तो बस हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए लेक में आपको दिखा रही हूँ ऊपर से, जो ये खुरपा ताल बोलते हैं इसको, खुरपा ताल। तो ये है बस यहाँ पर क्या था, उसके बाद ये देखिए बच्चों ने पहले क्लिक करवाई फ़ोटो, फिर मैंने भी करवाई थी, और वो मैं थंबनेल में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। काफ़ी अच्छा व्यू है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइएगा और विज़िट करिएगा और यहाँ पर इंजॉय करिएगा। तो बस बच्चे जो है मस्ती करते हुए, उसके बाद हम लोग गए थे सुसाइड पॉइंट पर। तो ये है सुसाइड पॉइंट का व्यू, काफ़ी ख़तरनाक है, बड़ा ध्यान रखना आप लोग जाना। तो ये देखिए चारों साइड खाई है, और ये सुसाइड पॉइंट है। तो बस बच्चे जो है यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं फ़ोटो, और बेटी भी करवा रही है, देखिए कितने किनारे खड़ी है। और मैंने मना किया उधर मत जाओ बेटा, इधर। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आप लोग ज़रूर जा करके विज़िट करिएगा। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे, तो एक एक दो पॉइंट और थे, कोई गार्डन था वो उन्होंने दिखाया है, फ्लावर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग निकल दिए हैं, उसके बाद मैगी और चाय वगैरह। ये देखिए ये गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है शायद। तो बस ये हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले ली है, और टिकट लेने के बाद बच्चों को दिखाने का था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाते हैं। आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो यहाँ पर बेटी को लग रही थी सर्दी, तो मैंने उसको दिलाई है शॉल। तो यहाँ पर बेटी को लग रही थी सर्दी, तो शॉल भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैंने उसको, मैंने कहा चलो ले लो बेटा थोड़ी सी। ये देखिए मैंने उसको रेड कलर की शॉल दिलवा दी है, और लेकिन शॉल अच्छी नहीं थी, अच्छी का मतलब वो जाली वाली थी, उसमें उसकी सर्दी नहीं बसती। लेकिन क्या था, तब तक जो है हम लोग ऊपर जो गए थे वहाँ पर ज़्यादा सर्दी थी, हिमालय पॉइंट था वो ज़्यादा ऊंचाई का। तो उसके बाद जो जब हम नीचे हम लोग आ गए थे तो इतनी सर्दी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, फ्लावर हैं कई तरीके के, तो सारे बच्चों के देखने के हैं मतलब के, तो बस वही बच्चे देख रहे हैं। आपने पिछली मेरी वीडियो देखी हो, मेरे दो ब्लॉक नैनीताल के जा चुके हैं, तो उनमें जो है ये आपको एक ब्लॉक में ये सारा कुछ दिखेगा, क्योंकि मैं भी एक बार घूमी थी, उसके बाद मैं इस बार बच्चों को लेके आई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को भी सारा कुछ दिखा देती हूँ।
क्योंकि मैं तो ये पॉइंट दोबारा घूमने वाली नहीं हूँ, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा है इन पॉइंटों में। बस ये है, बच्चे पहली बार आए थे तो मैंने सोचा बच्चों को घुमा देती हूँ। उसके बाद हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगी हिमालय पॉइंट देखूँगी, जब कभी जाऊँगी तो हिमालय पॉइंट ज़रूर देखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं हड़बड़ी में कैमरा मैंने पकड़ लिया है उल्टा, और उसके बाद मैंने वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया, फिर मैं इसको काट नहीं पाई। तो फ्रेंड्स इसको इग्नोर करना आप लोग। तो यहाँ पर क्या था, मैं बच्चों को बोला मैंने कि आप अच्छे से सारा कुछ देख लो यहाँ पर क्या है, और वो बच्चे फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे मैं आप दिखाऊंगी कि एक जो है इंसेक्ट का म्यूज़ियम था। इंसेक्ट म्यूज़ियम में क्या क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा। तो उसमें ये देखिए इंसेक्ट म्यूज़ियम आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई पहचान पाया हो फ्रेंड्स इसको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये बीज रखे हुए हैं, जो फूल नीचे थे उनके बीज हैं। और ये देखिए सारे इंसेक्ट हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं मरे हुए, और कुछ गैस वगैरह में इन्होंने रखा होगा। और बटरफ्लाई भी हैं, काफ़ी तरह की बटरफ्लाई भी हैं। तो ये सब हम मैंने बच्चों को दिखाया है। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे एक यहाँ पर केब उन्होंने दिखाई थी, वो भी कोई ख़ास नहीं थी, ले उसमें मैं तो गई ही नहीं थी, बच्चों को भेज दिया था क्योंकि बच्चे पहली बार आए थे तो मैंने बच्चों को भेज दिया था, मैं नहीं गई थी। मुझे बहुत ही बकवास लग रही थी, वो पत्थरों के बीच में जाना होता है। तो यहाँ पर क्या था, ये बुल वाला मैंने पिछली ब्लॉक में आपको दिखाया था, तो हस्बैंड ने मुझे ऊपर नहीं चढ़ने दिया, बोले कि नहीं गिर जाओगी। इस बार मैं बच्चों को लेके गई थी तो बच्चों को मैंने बिठाला है, लेकिन उसने क्या किया, बुल वाले ने बहुत ही तेज़ और ऊटपटांग चला दिया, तो बच्ची मेरी डर गई थी। देखना आप, देखो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो देखो बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये देखो उल्टा घुमाने के बाद इसने खटखट करके कुछ कर दिया, तो वो डर गई थी, देखना वो रोने लगी है। और उसने मना भी किया लेकिन उसने बंद नहीं किया। तो यहाँ पर बस वो भाई से लड़ने लगी है। और उसके बाद जो है बेटा बैठा था, तो उसने एक अकलमंदी का काम किया कि उन्होंने जो घुमाया वो उल पड़ा, और बेटी मेरी उली नहीं थी। और ये बस जो इन्होंने उल्टा सीधा घुमाया, तो मेरा बेटा उल पड़ा था, आप देखना, देखो देखना अभी थोड़ी देर में ये उल जाएगा। तो बस ये उल गया है, इसने ये समझदारी दिखाई, दीदी ने इनकी नहीं दिखाई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना झमाझम पानी है। और अब हम लोग आ रहे हैं वापस नीचे। तो उसके बाद क्या था, ज़्यादा बारिश थी तो हम लोग कैची धाम आ गए थे। तो कैची धाम का ब्लॉक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये सब पॉइंट घूमने के बाद हम कैची धाम के लिए चल दिए थे, तो वो ब्लॉक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और सर्दी थी, आप देख सकते हैं बेटी ने जो है गर्म नाइट सूट डाल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बारिश है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।